बिहार पुलिस 21,391 के छात्र एनसीएल और एडब्ल्यूएस को लेकर देखिए 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और आज जब कहीं ना कहीं शिक्षक शामिल होने लगे उसमें, तो इसकी जो आंदोलन थी वो कहीं ना कहीं तीव्र हुई और बड़ा आंदोलन हुआ। और उसके बाद संज्ञान में आया और चेयरमैन ने कहा कि हम बात करेंगे अभ्यर्थियों से, और उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया। क्या कुछ हुआ, बातें हुई है और क्या कुछ करने वाले हैं आगे, देखिए आज आंदोलन में रहमान सर, एस के झा सर, नवीन सर, अमित तिवारी सर और तमाम बड़े टीचर आए हुए थे, और उसके बाद क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ होने वाला आगे, बात करेंगे। अमित तिवारी सर हमारे साथ है। सर, आज आप लोगों ने बड़े संख्या बल में यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्शाई और आयोग को एक टाइप से चेताया भी, क्या कुछ बातें हुई है सर? देखिए, आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है और आयोग का कॉपी भी मिल गया है वहाँ से, यानी कि यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो अलॉट थे, वो उनको कोई ज्ञापन सौंपा गया है, वो है ज्ञापन ये। और ये इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से धरना हमारा लगातार जारी रहेगा। 1 तारीख तक हम लोग लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे, ठीक है। और 2 तारीख सर 4 बजे मिलने के लिए बुलाया गया था। हाँ, 4 बजे मिलने के लिए बुलाया गया था, वही ये चीज़ है जो दिया गया है, ठीक। और ये जो चीज़ है आपको कि समय मांगता है कोई भी आयोग, तो समय दिया गया है सोचने के लिए, लेकिन हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे रहेंगे। अगर 1 तारीख तक ये नहीं होता है कामयाबी, तो कितने दिनों का समय मिला है? 1 तारीख तक हम लोग बैठे रहेंगे, 2 तारीख तक पूरे बिहार में आंदोलन चलेगा और 2 तारीख तक ये जो आंदोलन है ये महाआंदोलन का रूप लेगा। 2 तारीख को सर ऐसे ही चलेगा, सभी कह रहे थे। इससे पहले सर हमने लाइव सेशन किया हुआ था और बहुत सारे तमाम यहाँ पर मीडियाकर्मी मौजूद थे, तो सभी बच्चे कह रहे थे कि हम 1 तारीख तक शांत रहेंगे, 2 तारीख को सरकार हमें रोक नहीं पाई। 2 तारीख को बिहार बंद करवाएंगे हम लोग। 2 तारीख को बिहार बंद करवाएंगे, रोड उतर जाएंगे, रोड पूरा बिहार। 2 तारीख को बिहार बंद होगा, 2 तारीख को बिहार बंद होगा, बिहार बंद होगा। क्या कहिएगा सर? सीएसपीसी हाय हाय। क्या कहिएगा सर कि नहीं चलेगी आपकी बात? आपकी बात सर अगर 1 तारीख तक मान ली जाती है, पहले तो सर चेयरमैन सबसे कह दीजिए कि क्या कह रहे हैं सर कि हमारी बात मान लीजिए। देखिए, आप सभी लोगों का वीडियो देखा जाता है, संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि जब पेपर कैंसिल भी कराया गया था तो आप लोगों का वीडियो देखा जा रहा था, ठीक। तो मैं चेयरमैन साहब से, जो नए चेयरमैन साहब है, प्लीज, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बेकार के लोगों को बाहर किया जा रहा है, ठीक। बिना गलती का सजा दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को, और हजारों अभ्यर्थियों को सजा दिया जा रहा है। तो प्लीज, ऐसा 6 महीना पहले कोई यह नहीं था कि अभी लखपति हो गया, पहले गरीब था तो अभी करोड़पति हो गया, ऐसा चीज है नहीं। अभी गरीब है तो पहले भी गरीबी होगा। तो मैं ये बात बोलूंगा कि अभी का हो या बाद का हो, और सबसे बड़ी बात कि ये गलती ही नहीं है स्टूडेंट का, क्योंकि आप पहली बार जब छाटे तो 21,391 का फॉर्म भरा जा चुका था, लड़के कहाँ से समझ पाए, कभी छाटे ही नहीं थे। अब इनसे लीडर वेस में ये सब बता देना चाहिए था खुल के कि ये सब लगेगा, तभी हम लोग रखे, तलब होना चाहिए था। हमने सीएसपीसी अध्यक्ष वहाँ पे जाके मिले अंदर में, वहाँ पे अधिकारी बोले कि सभी बच्चा अगर स्पीच पोस्ट करता है तो हम संज्ञान लेंगे। अच्छा, बोले क्या सभी सर? देखिए, सबसे निवेदन है कि अपना पैसा खर्चा करके एक एप्लीकेशन लिखिए और सीएसबीसी को जो एड्रेस जिस पे हम लोग वेबसाइट है उस एड्रेस पर स्पीच पोस्ट कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा। डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है ना, डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा था, ऑफिस गए थे तो बोले कि अगर आपको देना है स्पीच पोस्ट के माध्यम से दीजिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। और सर क्या कह रहे हैं सर? बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब बात करी, हम लोगों ने जानने की कोशिश करी तो कह रहे हैं कि तुम लोगों की संख्या बड़ी नहीं है, क्या कहिएगा? इसलिए तो 1 तारीख तक अपना संख्या जो है अलग अलग माध्यम से दिखा रहे शांतिपूर्ण तरीके से, आपको संख्या देखना है ना। बिहार का ऐसा रोड नहीं होगा जहाँ पर चक्का जाम नहीं हो जाएगा, ठीक। तो 2 तारीख, हाँ देखिएगा, 1 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं सर। ये लगभग 70 से 80 हजार लड़के हैं जो प्रभावित हो रहे हैं डायरेक्ट, उनके पापा मम्मी भैया सब उतरेंगे, ठीक। जैसे एक बार थाली बजाने के लिए कहा गया था तो सब लोग रोड पर उतर कर, घर पर उतर कर थाली बजाए थे, उसी तरह एक ऐसा आंदोलन ये है कि सब लोग थाली तो नहीं लेकर उतरेंगे लेकिन अपना शरीर स्वतः लेकर जरूर उतरेंगे, और एक स्टूडेंट के भरोसे 5 फैमिली वाले मेंबर तो जरूर रहते हैं, और इनके बच्चे का जिंदगी अगर खराब होगा ऐसे गलती के चलते जो किए नहीं है तो वो भी साथ में आएंगे। क्या कहिएगा? हमारे साथ फिजिकल ट्रेनर अभय सर भी है। सर, आप तो आ गए लेकिन आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सागिर्द हैं, जो फिजिकल ट्रेनर है, नहीं आ रहे। बच्चे अब पूरी तरह से फिजिकल ट्रेनर के गिरफ्त में, वो अगर चाहे तो जो बच्चे सीरियस है जो फिजिकल कर रहे हैं वो आ सकते हैं, क्या कहिएगा सर? बच्चा दौड़ना भी चाह रहा है, कुछ लोग है जिनका नहीं दौड़ना चाह रहा है, जिनका है उनको तो कम से कम आना चाहिए, और वो अभी दौड़ रहे हैं तो क्या करेंगे दौड़ के, जब ये एनसीएल लीडर देगा ही नहीं। तो हम बच्चे कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं लेकिन ट्रेनर साहब कहते हैं कि भाई दौड़ो, तो वो उनकी गलती है सर। मैंने तो अपना क्या कहिएगा अपने दोस्तों को, तो आप ही लोग का सर, वो तो आप ही का है परिवार। देखिए, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम प्रशिक्षकों से, जो भी
कहीं ना कहीं रनिंग करा रहे हैं वो सब लोग बच्चों के हित में ही सोचे, क्योंकि बच्चा अगर पॉजिटिव रहेगा तो दौड़ेगा ही पॉजिटिव से, उसके माइंड में ये चल रहा है सर कि एनसीएल होगा लेगा कि नहीं लेगा, ईडब्ल्यूएस लेगा कि नहीं, तो दौड़ेगा क्या सर? जब माइंड से हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो दौड़ेंगे नहीं। और हम तमाम गांधी मैदान के प्रशिक्षकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये आपकी लड़ाई नहीं है, आपके भी बच्चा हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, उन सबके लिए आप लोग हित में सोचिए और आइए सोचिए बच्चों के भविष्य के बारे में। सर एक तारीख तक बात मानी गई तो ठीक, नहीं मानी गई तो दो तारीख को क्या देखिए क्या कुछ कह रहे थे अमित तिवारी सर थे और उसके बच्चे थे, कह रहे थे कि एक तारीख तक हमारी बात मान लीजिए वरना हम दो तारीख को सड़कों पर उतर जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मिलेगा सब जो बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर जाए।